वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्टेज ते विराजमान सत्कारयोग बीबी इंद्रजीत कौर जी, वाइस चांसलर साहब अते होर गुणीजन, समूह संगत, आप जी दे सन्मुख मैं अपना परचा गुरु नानक बाणी की बहुदिशावी सार्थिकता विश्वीकरण के संदर्भ में पेश करन दी इजाजत चाहना जी। गुरु नानक देव जी साढ़े धन पाग ने कि वो साढ़े गुरु ने, सानू बहुत वड्डे गुरु मिले ने जिन्हां दा उपदेश जुगो जुग अटल आ, जिन्हां ने सानू आदि सच जुगाद सच जिहड़ी बाणी है उहदे नाल जुड़िया, उस रब दे नाल जुड़िया, उन्हां दे उपदेश भी उस तरीके दे नाल जुगो जुग अटल ने, जुगो जुग रहन वाले ने। उस बाणी तो अज दे दौर च सानू की सिख्यावां मिलदियां ने उस बारे थोड़ा जिहा इस परचे च गल करन दी कोशिश की गई है, क्योंकि विश्वीकरण दे प्रभाव करके असी कई चीज़ां तो संसार तो विच भरमे पे हैं, टुट रहे हैं। ये है कि है उहदे बारे थोड़ा जिहा मैं गल करांगा। गुरबाणी लोक सुखीए परलोक सुहेले का सुनेहा दिंदी है, अजोके समय दीआं समस्यावां नवीन टैक्नोलॉजी अते ज्ञान विज्ञान दे प्रसार दे बावजूद बहुत तेजी नाल जटिल तो जटिल दानवी रूप धारण करके वध रहीआं हन। ज्ञान विज्ञान दे प्रसार नाल समस्यावां घटियां नहीं, सगों उहनां विच वाधा हो रहा है। मनुख दे गुण जां मानसिकता बीमार तो बीमार होई जा रही है, भावें उसने शरीरक तौर ते तंदुरुस्त रहन लई अनेकां इलाज लभ लए, पर लोभ लालच हंकार वर्गियां विकराल तृष्णावां नूं नियंत्रण करन दा कोई सांझा राह नहीं लभिया। हाँ, मानसिक संतुलन विगड़न उपरंत मानसिकता नूं बहाल करन लई विज्ञानक जां मनोविज्ञानक उपचार विधियां दी खोज जरूर होई, अते जिस नाल मनुख नूं नॉर्मल हालत विच लिआंदा जांदा है। पर एक सधारण मनुख जां नॉर्मल इंसान अपने स्वार्थ उलार नूं किवें काबू रखे, अजिहे औगुण प्रति मनुख दे अपने स्वै कोल राहीं काबू आउंदे हन जां काबू तों बाहर रहिंदे हन। धार्मिक संसार अंदर यह सिक्ख्या प्रदान रही है, जो मनुख अपनी मानसिकता नूं काबू विच रखदा है उस नूं संसार विच सदीवी सुख वाली फतेह प्राप्त हुंदी है। गुरु नानक देव जी दा फरमान है, मन जीतै जग जीत। महात्मा बुद्ध चंचल बुद्धि नूं काबू रखण बारे उपदेश दिंदे हन कि कठिनाई नाल निग्रह योग जल्द गमन करन वाला मन जिथे चाहुंदा है चले जाण वाला है, ऐसे चित्त दा दमन करना उचित है क्योंकि इसका दमन करन नाल सुख मिलता है। पर गुरबाणी विच इशावां दा दमन, चित्त दा दमन इशावां दबाउण नाल नहीं हुंदा, बल्कि हंगता नूं मिटाउण नाल हुंदा है। आपै खा आप खाए तां निर्मल होवै, तावत वर्ज रहाए, गुरमुख होमै विचों खोवै तो नानक सहज समावै। परंतु अजोके मनुख की मानसिकता अडंबरवादी है, वह भद्र पुरश होने का दिखावा करके अपनी हंगता नूं कारपोरेट समाज विच वड्डी तो वड्डी करके फैलाउणा चाहुंदा है। वह कानून मुनाफे विच कमी आदि के डर तो बचण लई सभ्यक होने का ढोंग रचदा है। वह दुनिया दीआं आर्थिक तंदां दा एकीकरण करके उन्हां नूं जायज़ तरीके दे नाम हेठ काबू रखना चाहुंदा है। अजिहियां कोझियां रुचियां दा सिखर विश्वीकरण है। यह रुचियां मनुख विच आदिकाल तो विद्यमान रहीआं हन, पर वर्तमान समें विच इन्हां दी रफ्तार बहुत तेज अते विश्व पद्धर दी हुंदी जा रही है, जो वधेरे खतरनाक है। मनुखी वाशनावां दी भुख दा सुभावक पद्धर समुचे विश्व विच इक्को जिहा है। विश्वीकरण की विचारधारा उसका लाभ लेना चाहती है, जो मनुखी सभ्यता लई घातक है। गुरु नानक बाणी विच समझाया गया है कि वाशनावां की पूर्ति लई दुख सह के एकत्र कीती धन संपदा चली जाती है, तद दुख का कारण बनता है। तृष्णावां दे विभिन्न रूप माण के भुख मिटदी नहीं। इस तरह जिन्नियां ही शरीर अंदर तृष्णावां पैदा हुंदियां हन उन्नियां ही तकलीफां दे विच वट जांदियां हन। दुखी, गुरु साहब जी का फरमान है, दुखी दुनी सहेड़ी है जाए तो लगे है दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसै न लथी भुख। रूपी
भुख ना उतरै जां देखा ता दुख जां देखा ता भुख जेते रस शरीर के तेते लगै दुख। विश्वीकरण मनुखी तृष्णावां उपर लगियां समाजिक नैतिक ते धार्मिक रोकां नूं तोड़ के उपभोगी समूह बनाउंदा है। विश्वीकरण किसी मानवी भलाई नाल जुड़िया सिद्धांत नहीं, यह विशेष रूप विच आर्थिकता नाल जुड़िया मुद्दा है। यह उन्हां सारे खेतरां नूं प्रभावित करता है जो पैसे नाल किसी ना किसी रूप विच संबंधित हन। इस दे फलस्वरूप सभ्याचार धर्म परंपरावां अकादमिक फलसफे आदि सब कुछ प्रभावित होंदे हन। विश्वीकरण संकल्प रूप विच विश्वीकरण दो पक्षी है। एक पक्ष विच यह विश्व नूं संगोड़दा है अते दूजे पक्ष विच विश्व दी चेतना नूं फैलाउंदा होया एक समुच रूप बनाउंदा है। विश्वीकरण भावें लोकां नूं दूर लियाए जां नेड़े नूं दूर तक फैलाए दोहां हालतां विच एकीकरण दी प्रक्रिया है। विश्वीकरण दा सौखा अर्थ है कि विश्व नूं एक मंडी बनाउणा जां विश्व मंडी लई एकीकरण दी प्रक्रिया। इस पिछे किसी मानवतावादी एकीकरण की प्रक्रिया नहीं, एकीकरण सिर्फ मनुखी लोड़ां अते उन्हां दी पूर्ति हो रही है जिस दे पिछे दुनिया के व्यापारी लोग उन्हां दी सोच काम करती है। व्यापारी लोग किसी सभ्याचार धर्म देश दीआं कीमतां नूं इस करके नहीं प्यार दे सत्कार दे कि उन्हां नूं उस वर्तारे नाल कोई स्नेह है, बल्कि उस व्यापारी वर्ग के लोग अपना व्यापार वध मुनाफे नाल सौख नाल करना चाहते हैं। जब लोग उन्हां मारथी व्यापारियों के शिकार हो जाते हैं तो फिर ना लोग अपने सभ्याचार धर्म कदरां कीमतां नूं बरकरार रख सकते हैं। इस तरह की विश्वीकरण की मार तो कोई नहीं बच सकता। विश्वीकरण के बारे डॉक्टर अनूप सिंह जी का विचार है कि संसारीकरण हर उस चीज़ को तबाह कर देता है जिहड़ी भी रवायती जां देसी है, तो गैर अनुकूल मिट्टी विच विदेशी बीज पा देता है। फिर जदों वित्तीय संकट आता है तो यह देश पछाण नहीं परत सकते क्योंकि वह अपने पिछले पुल तोड़ चुके होंगे। इस प्रकार मनुखा देशों दियां पदार्थवादी रुचियां की काढ़ विश्वीकरण की धारणा है जिस विच मनुख नूं केवल तो केवल एक उपभोगी समझा जाता है। तो आस की जाती है कि उपभोगियों के वध तो वध समूह नूं नियंत्रण विच रख के लाभ किवें कमाया जा सकता है। दरअसल विश्वीकरण वसीकरण जां बेवसीकरण का सिद्धांत है जिस अधीन दूसरियां नूं वस करके बेवस किवें बनाउणा है सरल उद्देश समझे जा सकते हैं। अजकल सूचना ते टेक्नोलॉजी का युग है जिदे विच कई तरह दीयां समस्यावां साढ़े पैदा हो चुकियां ने जो कि विश्वीकरण दे वर्तारे करके पैदा होईयां हन। इस विच कोई शक नहीं कि सूचना दे साधनां दे प्रसार होण नाल संचार बहुत सरल ते तेज़ होया है, पर सूचना संसार दे इन्हां माध्यमां दी सही वरतों ना होण करके मनुखी भावनावां संवेदनावां मरदियां जा रहियां हन। इंटरनेट दे माध्यम राहीं सूचना दे अथाह हड़ नाल मनुख सूचनावां विच ही गवाच जांदा है। वध तों वध सूचनावां दे एकत्रीकरण विच मौलिक सिरजना खत्म हो रही है। खोज खेतरां विच गंभीरता आउण दी बजाए पेतलापन वध्या है। दूसरियां दे विचारां दी चोरी विच खुल वधी है। मनुख अपनियां समस्यावां दे हल लई छोटे तों छोटा राह लभना चाहुंदा है जिस दी भाल विच इन्ना समां बर्बाद कर लैंदा है कि सधारण राह तों वी वध खुआर हो जांदा है। प्रिंट मीडिया दीआं तकनीकां विच वाधा होण नाल किताबां दी दिख पेशकारी सोहणी हो गई है, पर उन्हां विच ठोस अनिजे नतीजे अलोप हो गए हन। घटिया पत्रकारी दी अखबारां ते न्यूज़ चैनलों उपर खूब घिओ खिचड़ी बन रही है। संचार मीडिया विच औरत नूं उपभोग दी वस्तु जां उपभोग दीआं वस्तुआं दे सहायक बना के पेश कीता जा रहा है। फिल्मां नाटकां विच औरत नाल वापरदे दुखांत नूं प्रस्तुत करके वेचा जांदा है, ना कि उह किसे नाल कोई हमदर्दी भावना नाल कोई लड़ीवार पेश कीते जांदे हन। अजिहियां परिस्थितियां विच गुरु नानक बाणी सानू मनुखी चेतना नूं सजग करदी है, औरत नूं सन्मान देण दी वकालत करदी है। सो क्यों मंदा आखिया जित जमहे राजान। संचार मीडिया विच टीवी दर्शक वर्ग नूं खोखला कर रहा है। दर्शक सिर्फ दर्शक बन के रह जांदा है। टीवी जीवन दे समाजिक रोमांच नूं खत्म कर दिंदा है। रंग तमाशियां दे चाह विच डुब्बिया मनुख अपनियां मुश्किलां दे समाधान नूं भुल जांदा है, भविख नूं सजा वांग भोगदा है। इस प्रसंग विच गुरु नानक देव जी दी बाबर बाणी वाले प्रसंग नूं सानूं चेता रखना चाहीदा है। अगों दे जे चेतीए ते कायत मिले सजाए। अजोके सूचना दे इस दौर विच विश्वीकरण करके
बाजारी चोण समय बर्बादी का सबब बन रही है, हथियार उसका समाधान बन रहे हैं। हथियार इन्ने ज़्यादा वधे हुए हैं, उस तो ना कोई धार्मिक थां बचे ने तो ना ही कोई कुदरत दियां रमणीक थावां। विश्वीकरण ने जो होर अगे चीज़ों के नुकसान किए ने, उन्होंने आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा उच्च वाधा होया। इस तो इलावा सिक्ख्या का खेत्र जिहड़ा पवित्र बड़ा मन्निया जांदा सी, उस विच भी बहुत ज़्यादा इहदा वेखण नूं सानूं असर मिलता है। विश्वीकरण के मारू असरां हेठ सिक्ख्या का व्यापारीकरण हो चुका है। सरकारां विद वलों विद्यक खेत्र नूं व्यापारियों वास्ते खोल दिता गया है, तो सरकारी सिक्ख्या अदारियां नूं जानबुझ के फेल किया जा रहा है। फलस्वरूप निजी स्कूल ढाबे जां होटलों वर्गे बन रहे हैं, जिन्हां विच अध्यापक सिर्फ कुक अते प्रिंसीपल मैनेजर वर्गे बन रहे हैं। दूसरे पास यूनिवर्सिटियां विच अकादमिक गुणवत्ता वधाउण दी बजाए विद्यार्थियों दे गिनती वधाउण उपर केंद्रित होईआं हन। गुरु नानक देव जी दे समय भी अजिहे जिहड़े गुरसाहिब वी कमेंट करदे ने उस समय दी त्रासदी दे उत्ते उही चीज़ां अज वापर रहीआं ने। उदों वी जिहड़े उस्ताद अपने सही सिक्ख्या देण तों थिड़के होए सन, वाइन चेले नचन गुर पैर हिलायन फेरन सिर, यह स्थिति भी वह समय दसदी है। जे वो असल उस्ताद अपना गुण भुन के ते उस्ताद पैर हिला ला के सिर घुमाते हैं, जिहदा अर्थ है अते पैरां राही उड्डिया होया कट्टा अपने सिर च पाउंदे हन, लोग वेखदे हन अते हसदे होए घरां नूं चले जांदे हन, पर असल विच रास्तारी रोजी रोटी खाती खातर ताल पूरदे हन, शरीर नूं जमीन ते पटक पटक के सुटदे हन। अजोकी स्थिति अजोके सिखाउण वाले वर्ग की भी हो चुकी है, जिहड़े कि सिर्फ ते सिर्फ पैसे नूं वेख के पैसे दे नाल विद्यार्थियों दे नाल पढ़ाउण वाले पासे जुड़े हुए हन। इस तरह भाषा दे विच भी गिरावट आ चुकी है, जिस नूं गुरु साहब ने बहुत एक वड्डा सानूं राह दस्या भी भाषा छड्डनी ये चीज़ माड़ी है। असी उस भाषा दे एक विश्वीकरण की जिहड़ी भाषा है अंग्रेजी भाषा नूं कहीए जां कोई होर भाषावां जिहड़ियां छोटियां बोलियां ने खेतरी बोलियां ने उन्हां दा घाण कर रही ने, वह सारा कुछ ये नुकसान हो रहा। इस तरीके वातावरण इन्हां मैं सारे पक्षों नूं संखेप दां भी वह चीज़ों के उत्ते भी कब्जा कर रही ने। तो गुरु नानक देव जी सानूं बहुत वड्डी इन्हां पक्षों के बारे सेध देंदे ने। इस तरीके जिहड़ी धार्मिक संकीर्णता वध रही है गुरु साहब दे विच, उह सांझीवालता की भावना सानू बहुत नवे राह दिंदी है, सानू एक जीवन का बड़ा सोहना बल दिंदी है। इन्हां ही शब्दों के नाल मैं आप जी तो खिमा दा जाचकां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।